इंदौर अब नई उड़ान उड़ने को तैयार है। यहाँ के लड़के लड़कियाँ अब खेल के मैदान में भी जोहर दिखाएंगे और अपने शहर इंदौर को नई पहचान दिलाएंगे, क्योंकि इंदौर के नंदा नगर में कनकेश्वरी खेल परिसर में ये उभरते खिलाड़ी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जिसका श्रेय जाता है इंदौर दो से विधायक रमेश मेंदोला और पूर्व MIC मेंबर चंदू शिंदे को। इसी पर देखिए MP न्यूज की यह खास रिपोर्ट। अब इंदौर होगा एक और काम में नंबर वन। खेलों के मामले में भी इंदौर को मिलेगी पहचान। विधायक रमेश मेंदोला ने दी खिलाड़ियों को सौगात। कनकेश्वरी खेल परिसर में खिलाड़ियों को मिल रही तालीम। जी हाँ, ये कोई नेशनल या इंटरनेशनल बास्केटबॉल का मैदान नहीं है, ये मैदान है इंदौर के मील क्षेत्र में आने वाले नंदानगर की गलियों का और इस मैदान का नाम है कनकेश्वरी खेल परिसर, जिसको तैयार करने का काम किया है क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला ने और इसका जिम्मा उठाया है MIC मेंबर चंदू शिंदे ने। इन दोनों की अथक मेहनत का ही परिणाम है कि आज इस क्षेत्र के उभरते खिलाड़ियों को इतना अच्छा खेल का वातावरण मिल रहा है, जिसको ये बच्चे खुद अपने जुबान से बयां कर रहे हैं। मैं कोचिंग आती हूँ बास्केटबॉल सीखने। यहाँ पे हमको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है, हमको ब्रेकफास्ट भी दिया जाता है, उसके बाद अंकल हमारी सेफ्टी के लिए हमेशा यहाँ तैयार रहते हैं 9:30 बजे तक। जब तक हम लड़कियाँ नहीं जाते, जब तक अंकल भी नहीं जाते। हमारे जाने के बाद अंकल जाते हैं और उसके बाद अंकल मतलब चारों तरफ लड़कों को भेजते हैं कि देख के आओ लड़कियाँ सेफली घर पहुँची कि नहीं पहुँची। और बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है, अंकल यहाँ रोज़ आते हैं, हमको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, नए चैलेंजेस करने पड़ते हैं। अंकल मतलब कभी भी आते तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं, किट सब देते हैं अंकल, पैसे वगैरह सब, मतलब हमको सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ यहाँ पे है। कि हर मंथ नहीं, आप बोलो वीकली, हर बच्चे को कुछ ना कुछ वो जैसे हमें हमारे साथ फ्रैंकली बैठना, हमें हमें साथ में खिलाना, बहुत चीज़ें करते हैं। और मैं अंकल को जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, क्योंकि इतना अंकल करते हमारे लिए उतना शायद ही कोई और करे। सो थैंक यू अंकल, इतना हमें इतना अच्छा ग्राउंड उसके साथ इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। इन नवागत खिलाड़ियों से तो आपने सुन ही लिया होगा कि उन्हें सौगात उस व्यक्ति ने दी है जिसे पूरा इंदौर शहर दादा दयालु या कहें ऐसा भाई जो बड़ा होने के साथ ही छोटे भाइयों पर अपनी छाया बनाए रखता है। इसके पीछे उनकी मंशा है कि उनके क्षेत्र के बच्चों को अपने इलाके में ही वो वातावरण दे सके जिसकी तलाश उनको सालों से थी। वहीं इस खेल परिसर को बनाने के पीछे की कहानी MIC मेंबर चंदू शिंदे ने बताई कि विधायक रमेश मेंदोला और वे किस तरह से बच्चों को ये सौगात दे पाए। माँ कनकेश्वरी बास्केटबॉल परिसर की स्थापना 4 वर्ष पूर्ण हुई थी, उसके बीच कोरोना की महामारी आ गई थी, उस वजह से काफ़ी समय तक हमारा कोर्ट बंद रहा और पिछले 6 माह से कंटिन्यू हमारे बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। एकलव्य अवार्ड से सम्मानित कोच ऋतु बिष्ट भी हमारे वहाँ कोचिंग करती है, उनके ब्रदर वो भी एक अच्छे खिलाड़ी, वो भी इसमें कोचिंग करते हैं। हम पूरा प्रयास करते हैं, हमारे आदरणीय कैलाश विजयवर्गी जी जो मध्य प्रदेश बास्केटबॉल के चेयरमैन हैं, श्री रमेश मेंदोला जी जिनके नेतृत्व में हमने इस बास्केटबॉल कोड को बनाया है, वो मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी यही सपना है कि खेल को आगे बढ़ाना है, खेल आगे बढ़ेगा देश आगे बढ़ेगा। उसके अंतर्गत हमने एक प्रण किया था कि इस क्षेत्र की जितनी भी बच्चे बच्चियाँ हैं इनको यहाँ प्रशिक्षण दिया जाए और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दें, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको जो ज़रूरत है खेल के माध्यम से उसको भी हम प्रयास करके मित्र मंडली द्वारा हम उनको भी किट ईट की व्यवस्था भी करते हैं। साथ ही हम एक नॉमिनल शुल्क कुछ बच्चों से कोच को देते हैं हमारे, बाकी पूरा खर्चा हमारी मित्र मंडली उठाती है इसका। अभी तक तो हमने किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं है, नगर निगम को हमें ज़रूर सहयोग रहा है इस कंपाउंड वाल को बनाने में और कंपाउंड वाल और लाइट की व्यवस्था हमारी नगर निगम कमिश्नर द्वारा की गई है। और बाकी जो आप ये देख रहे हो कि ये जो कोडिंग है कई बास्केटबॉल में एक बार होना कठिन होता है,
हमने सब 12 बार कराया है, हमारे मित्र मंडली के खर्चे से ही कराया है हमने। जितने बास्केट का जितना भी आपको यहाँ जो दिख रहा संसाधन, ये हमारी मित्र मंडली द्वारा ही किया गया है। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। जिन बच्चों के पास साइकिल नहीं है उनके हम साइकिल की व्यवस्था करते हैं, जिनके पास किट नहीं है हम उनकी किट की व्यवस्था करते हैं। साथ ही महीने के एक महीने में 5 से 7 बार उनकी पसंद के जो भी डिश हो वो हम उनको कराते हैं। और कुछ बच्चियों को हमने साइकिलें भी दी है। और कुछ बच्चे जो हमारे पढ़ना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं और उनको कोई कठिनाई आती है तो उनका स्कूल में भी एडमिशन कराते हैं, उनकी कोचिंग की व्यवस्था भी कराते हैं। ज़रूरतमंद बच्चों के हम कोचिंग भी करवाते हैं, उनको स्कूल में भी प्रवेश दिलाते हैं, उनकी फीस की व्यवस्था भी हम लोग करते हैं। हमारे विधायक रमेश मंदला जी के मार्गदर्शन में होता है ये काम। बच्चे तो हमारे पास बहुत आते हैं मगर हमारी 5 शिफ्ट है, 5 शिफ्ट में करीब हमारे पास अभी 120 बच्चे हैं, 120 बच्चे हैं। और लोग रोज़ 10 से 15 लोग वापस लौट के जाते हैं क्योंकि इतनी सारी भीड़ कर लेंगे तो उनको फिर व्यवस्थित तरीके से हम खिला नहीं पाएंगे। तो प्रयास करेंगे कि और भी क्षेत्र में हमारे विधायक जी के मार्गदर्शन में हम और भी कई जगह बास्केटबॉल का कोर्ट बनाने का प्रयास करेंगे। विधायक रमेश मेंदुला और चंदू शिंदे की इस कल्पना के पीछे शक्ति पुंज के रूप में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हैं, जिसे वो अपने शब्दों में बयां कर चुके हैं। वहीं इतनी अच्छी सौगात देने के पीछे उनकी मंशा है कि वो भी कह सके कि इंदौर के बेटे बेटियां भी किसी से कम है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।